हेलो एवरीवन। तो आपका जो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन जो होने वाला है, क्वेश्चन है आपका ए वेल विद 10 मीटर इनसाइड डायमीटर। ठीक है, एक कुआं है, ध्यान से समझना इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक कुआं है, उसको क्या कर दिया, 10 मीटर इनसाइड डायमीटर। जो उसकी डायमीटर है वो 10 मीटर का है। ठीक है, मतलब ये समझो 10 मीटर वो चौड़ा है जो कुआं बन रहा है। ठीक है, इज डग 14 मीटर डीप, और उसे 14 मीटर अंदर तक खोदा जा रहा है, डग आउट किया जा रहा है, खोदा जा रहा है, उसे बनाया जा रहा है। एक कुआं है जिसको कि हमें 10 मीटर उसके डायमीटर होनी चाहिए, और उसकी जो जो उसकी हाइट है, हाइट मान लो उसकी 14 मीटर। हाइट तो क्या ही होनी है उसकी, हाँ हाइट भी कह ही सकते हैं कि मान लो ये आपका ये कुआं है, जस्ट आपको बता रहा हूँ, कुआं वैसे गोल होगा, ये आपका ये कुआं है, ये आपका ये कुआं है, ये इसकी हाइट, हाइट किसने कितना ये गहरा है, 14 मीटर गहरा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फिर आपको बोला है अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड, जब हमने इसे बनाया, इसे जब हमने जो मिट्टी निकाली उसे हमने फैला दिया, कहाँ फैला दिया, इट टू मेक एन एम्बैकमेंट। एम्बैकमेंट मतलब होता है कि आपका मान लो ये कुआं था आपका, ठीक है, ये कुआं था, यहाँ से आपने जो मिट्टी निकाली ऊपर, इसे आपने इसके चारों ओर एक चबूतरा टाइप का बना दिया, चबूतरा टाइप का आपने इसके चारों ओर बना दिया, अभी डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, ऑफ हाइट, और हाइट कितनी है इस चबूतरे की, जो हाइट है जो आपने यहाँ पे चबूतरा बनाया, ये इसकी जो हाइट है, हाइट होगी इसकी 4 होल 2/3 मीटर। तो विड्थ ऑफ एम्बैकमेंट, हमें इस एम्बैकमेंट की विड्थ निकालनी। देखो यार, मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कुआं था आपका, ठीक है, ये आपका ये कुआं है, सबको दिख रहा होगा ये कुआं है आपका। ठीक है, ये आपका वेल है, ठीक है, और इसकी जो ये इसकी आपको पता है ये क्या बन रहा है, ध्यान से देखना ये क्या बनता जा रहा है, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, ये एक सर्कल टाइप का बन रहा है नीचे, ठीक है, हाँ सर सर्कल टाइप का बन रहा है, ऊपर भी देखो ये सर्कल टाइप का बन रहा है, तो ये क्या हो गया सर, ये सिलेंडर बन गया। एक बात आपको क्लियर होगी, और आप वैसे भी देखो जो कुआं होता है वेल होता है सिलेंडर के शेप का ही होता है। ओके, इसकी जो आपको डायमीटर बोला है, इसका डायमीटर आपको ये कितना बोल रखा है, डायमीटर डायमीटर देखो यहाँ पे 10 बोल रखा है, डायमीटर आपको 10 मीटर बोल रखा है। ठीक है, तो डायमीटर ये यहाँ पे 10 है, ये पूरा का पूरा, यहाँ से मैं इसको देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 10 होगा। ठीक है, यहाँ हम यहाँ पे सर्कल को ले लेते हैं, ये पूरा यहाँ से डायमीटर आपको पता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, जो सबसे लंबी लेंथ होती है सर्कल में, उसे हम डायमीटर कह देते हैं। तो डायमीटर यहाँ पे कितनी है, ये 10 मीटर है। अब बताओ अगर ये डायमीटर यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो इसकी जो रेडियस होगी, जो रेडियस सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होगी, वो क्या हो जाएगी सर, यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी, और रेडियस कितनी है, ये रेडियस है इसकी यहाँ पे 5 है, क्योंकि जब ये पूरा 10 है। और अब मैं इसको आपको सर्कल को ऐसे दिखा, ठीक है, जब ये पूरा का पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या है, पूरा 10 है, और हमें पता है जो रेडियस होती है, रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है। ओके सर, ठीक है, फिर आपको बोल रखा है, ये अलग है, इसको मत देखना यहाँ पे, ठीक है, गलत है। फिर आपको यहाँ पे बोल रखा है इसके जो जो ये डीप है, डीप कितना है, ये कितना गहरा है, 14 मीटर गहरा है, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। तुम्हें दिख रहा है कि सर ये पहली बात क्या बन रहा है, सर ये आपका सिलेंडर बन रहा है। ठीक है, सिलेंडर में भी इसकी हाइट आपको 14 मिल गई, रेडियस आपको 5 मिल गई। ठीक है, तो हम इसका पूरा का पूरा यहाँ पे एरिया वगैरह, मालिमिन वॉल्यूम वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ सर, हम इसका वॉल्यूम वगैरह निकाल सकते हैं। फिर देखो दूसरी कंडीशन, अब हमने वहां से जो मिट्टी निकाली, स्प्रेड ऑल अराउंड टू मेक एन एम्बैकमेंट, हमने यहाँ से एक मिट्टी निकाल दी। ठीक है, यहाँ से हमने जब इसको डग आउट करा, ऊपर हमने इसकी मिट्टी निकाल दी, मिट्टी को हमने ऐसा फैला दिया, देखो इस तरीके से, ये देख रहे हो ये वाला, ये बाहर जो फैला रखा है, इसको हमने इसके चारों ओर फैला दिया, चबूतरा टाइप का बना दिया, चबूतरा टाइप का बना दिया, चबूतरा जैसे पेड़ वेड़ के चारों ओर देखा होगा आपने, है ना, बैठने के लिए बना रहता है, तो चबूतरा हमने वहां पे बना लिया। अब हमें बोला कि जो ये चबूतरा है, ठीक है, इसका आपको क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है इसकी आपको, हाइट मतलब जो ये हाइट बन रहा है, इसकी हाइट आपको दे रखी है। ठीक है, हाइट कितनी दे रखी है, 4 होल 2/3, इसकी हाइट दे रखी है 4 होल 2/3 आपको इसकी हाइट दे रखी है। फिर बोला कि यार इसकी विड्थ कितनी होगी, मतलब इसकी विड्थ ये आपको निकालना है, ये विड्थ यही तो है ना, अरे देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये आपका वेल है, ये आपका है कुआं, ठीक है, और ये कुआं है तो इसकी चौड़ाई यही तो होगी, इसकी चौड़ाई ये, तो ये वाली विड्थ आपको निकालने की, ये कितना चौड़ा बना रखा, समझ रहे हो बात को, ये कितना चौड़ा बनाया होगा पूरा चबूतरा। अरे जैसे आप पेड़ के नीचे बैठो, चबूतरा वहां पे होता है ना, तो आपने उस चबूतरे की चौड़ाई कितनी है, मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ है आपका, इसके चारों ओर कुछ इस तरीके से चबूतरा बनाया जाता है बैठने के लिए, तो इसकी विड्थ कितनी है वही हमें यहाँ पे निकालनी है। यहाँ पे इस कुएं के चारों ओर जो एम्बैकमेंट बनाया गया है, जो चबूतरा बनाया गया है,
उसकी विड्थ आपको निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन यार सबको समझ आया होगा, ट्राई करें पूरा आपको समझाने का। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हमें इसकी विड्थ निकालनी। तो सबसे पहले देखो यार, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। अब ये आपका यहाँ पे अगर आपने मेंसुरेशन पढ़ा होगा, ये आपको यहाँ पे एक होलो सिलेंडर बन जाता है, खोखला बेलन हम जिसे कहते हैं। सिलेंडर को आप बेलन कह देते हो, और जहाँ पे दो ऐसे बेलन आ जाते हैं एक के अंदर एक, है ना। मान लो ये एक बेलन है, ठीक है, ये आपका एक बेलन था, मतलब एक सिलेंडर था। इसके अंदर एक दूसरा सिलेंडर अगर आ गया, इसके अंदर एक हमने दूसरा सिलेंडर टाइप का रख दिया, तो ये क्या हो जाती है, इसे हम होलो सिलेंडर कहते हैं। तो वही ऊपर आपको होलो सिलेंडर टाइप का ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसको हम कैसे करना है वो चीज थोड़ी बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के देखना। हमें विड्थ निकालने, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले विड्थ मान ली आपकी, मैंने आपके यहाँ पे सबसे पहले जो विड्थ मान ली, विड्थ कितनी मान ली मैंने, प्यार से देखना बिल्कुल कॉन्सेप्ट आए। विड्थ मैंने मान ली विड्थ ऑफ इनकैपमेंट, ठीक है, इनबैकमेंट, विड्थ ऑफ इनबैकमेंट, शॉर्ट में ए लिख दे रहा हूँ। इसकी मैंने मान ली एक्स, मान ली इसकी विड्थ, ठीक है सर, विड्थ हमने इसकी एक्स मान ली। अब देखो यार, जो इस वेल का वॉल्यूम होगा, जो कुआं है, कुएं का जो वॉल्यूम है, देखो कुआं ऐसा था, कुआं ऐसा था, यहाँ से हमने इसका मिट्टी निकाली, ये पूरी यहाँ मिट्टी भरी थी। ओके भाई, ये पूरी यहाँ मिट्टी भरी थी, मिट्टी को हमने यहाँ से ऐसे डग आउट कर लिया, बाहर निकाल दिया। यार जितना इस मिट्टी का वॉल्यूम रहा होगा, जब हमने मिट्टी को पूरा बाहर निकाला, हमने जितना मिट्टी का वॉल्यूम निकाल दिया, मिट्टी का जो वॉल्यूम होगा वही इस कुएं का वॉल्यूम भी होगा। वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाई, ठीक है, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मिट्टी यहाँ कितना स्थान घेर रही थी, हम उसी को कहेंगे कि वो वेल का भी वॉल्यूम था। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरी बात, जो मिट्टी हमने यहाँ से बाहर निकाली, उसी मिट्टी का हमने वहां पे चबूतरा बना दिया, इम्बैकमेंट बना दिया, तो उसका भी जो वॉल्यूम होगा, उस इम्बैकमेंट का भी जो वॉल्यूम होगा, वो भी किसके इक्वल होगा, जो इसका वॉल्यूम रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हो, जो कुएं का वॉल्यूम रहा होगा वो। प्यार आपको समझ आया, फिर बोल रहा हूँ, ये यार आपका एक कुआं था, इस कुएं से मैंने जो मिट्टी निकाली, जब मैंने कुआं बनाया, जितनी मैंने मिट्टी बाहर निकाली, उसका जो वॉल्यूम होगा वो इस कुएं के, वो इस वेल के वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। और इसी मिट्टी का हमने उसके चारों ओर एक चबूतरा बना दिया, उसका जो वॉल्यूम होगा, उस चबूतरे के पास जो वॉल्यूम होगा, जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो भी उस सॉइल के, जो अर्थ से आपने बाहर निकाले, जो मिट्टी बाहर निकाली, उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, या जो वेल का वॉल्यूम है, जो कुएं का वॉल्यूम है, आयतन है, उसके इक्वल होगा। होप अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है। तो हमने इसको कहाँ से स्टार्ट करना है, हमने कर देना इसको, हम यहाँ से करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ, बिल्कुल प्यार से देखो भाई, हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, यहाँ पे लिखा है टेकन आउट, ठीक है, जो वहां पे टेकन, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इम्बैकमेंट, ठीक है, जो वहां पे वो आपका चबूतरा बनता है। समझा दिया मैंने कि क्यों होगा। अब देखो यार, जो इम्बैकमेंट का वॉल्यूम है वो कैसे निकलेगा, इसको देखो फिर जरा, जो इस इम्बैकमेंट का वॉल्यूम है, मतलब मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए, ये वाला वॉल्यूम मुझे चाहिए, ये वाले वॉल्यूम मुझे चाहिए, जो इसमें इम्बैकमेंट वाला, सिर्फ मुझे ये वाला चाहिए, तो ये वाला वॉल्यूम कब निकलेगा। अगर तुम इस पूरे वॉल्यूम को देख रहे हो तो तुम्हें एक चीज यहाँ पे साफ नजर आ रही होगी, तुम्हें हमें ये पूरा वाला वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, ये इम्बैकमेंट का वॉल्यूम। लेकिन यार सर, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो इसमें तो ये अंदर वाला वॉल्यूम भी तो इंक्लूड हो रहा है, जो कि मेन आपका कुआं है, तो मुझे कुएं का तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे इम्बैकमेंट उसके चारों तरफ है ना, इम्बैकमेंट ऐसा है ये इसके चारों ओर है, इम्बैकमेंट ऐसा, ऐसी तो रहता है वो ऐसा। अगर मैं इस, मुझे सिर्फ इस ये वाला वॉल्यूम चाहिए, तो ये वाला वॉल्यूम कब निकलेगा, थोड़ी केयरफुली समझना, जब मैं इस पूरे का, इतना पूरे का वॉल्यूम निकालूं, उसमें से ये अंदर वाला वॉल्यूम माइनस करूं, मुझे सिर्फ ये बाहर वाले वॉल्यूम यहाँ पे बचेगा, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ, हम पे ये कुआं है, देखो ये कुआं है, ठीक है, ये यहाँ पे इम्बैकमेंट है, मान लो ये आपका इम्बैकमेंट, मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए, कब मिलेगा कि सर जब मैं इस पूरे का वॉल्यूम निकालूंगा, उसमें से ये अंदर वाला वॉल्यूम माइनस करूंगा, तो मुझे सिर्फ बाहर वाला ही तो वॉल्यूम बचेगा, समझ रहे हो बात को। तो वो हो जाएगा हमारा क्या, इम्बैकमेंट का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा, ठीक है सर। अब अर्थ टेकन आउट, अर्थ टेकन हमने कहां से आउट करी है, वॉल्यूम जो होगा आपका,
कहाँ से करी है? वेल से करी है। वेल क्या है आपका? सिलेंडर का है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, आपको पता है जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट होता है। यहाँ हम उसे पता क्या लिख लेते हैं, हम उसे लिख लेते हैं बेस एरिया इंटू हाइट को हम क्या लिख लेते हैं, बेस का जो आपका यहाँ पे एरिया बनता है वो क्या बन जाता है? सबको पता है ये हो जाएगा आपका क्या, पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि देखो ये आपका क्या था, ये आपका यहाँ पे सिलेंड्रिकल कुछ इस तरीके से है, इसका आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये इसकी हाइट एच हो जाती है, तो हमें उसी को वो करना होता है, वॉल्यूम निकालना होता है। चलो सर, वॉल्यूम निकल गया पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, में हमें सबसे पहले देखो ये इक्वल टू है यहाँ पे ये वाला हमें वॉल्यूम ऑफ इम्बैकमेंट निकालना है। तो मैं वॉल्यूम ऑफ इम्बैकमेंट कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना। एक तो आपको यहाँ पे पता है, अगर आपको होलो सिलेंडर का मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया, होलो सिलेंडर वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, अगर नहीं पता है तो देख लो, मैं यहीं पे आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको क्या बोल दिया, ये वाली रेडियस देख लो, ध्यान से देखना यार, समझाने का ट्राई कर रहा हूँ पूरा। ये वाली रेडियस कितनी है आपको पता है सर, ये रेडियस है हमारी 5, इसको मत देखना। ठीक है, इसको मत देखना, लेकिन तो मैं हटा ही देता हूं वहां से, इसको मत देखना। अब ठीक है ओके। तो मैंने क्या बोल दिया आपको, ये आपका क्या, ये आपका 5 है यहाँ पे, ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे 5 है। ठीक है सर, अब मैंने आपको बोला कि हमें इसकी विड्थ चाहिए, यहां से ये चाहिए हमें, ये वाला चाहिए हमें, ये वाला है हमारा, हमने x मान रखा है, ये हमने क्या मान रखा है, x मान रखा है। अब मैं आपको क्या लेके चलता हूँ, अब मैं आपको इसकी रेडियस लेके चलता हूँ। ठीक है, ये तो आपकी इसकी रेडियस है ओके। अगर मुझे क्या करना है, इस पूरे रेडियस को देखना है, ध्यान से देखना, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक के रेडियस को, क्योंकि होलो सिलेंडर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये रेडियस अगर मुझे देखना है, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 5 है, हर जगह आपको पता रेडियस इक्वल होती है 5 है, और यहाँ से आगे ये एक्स है। ठीक है, तो मैं इसे पूरे को मैं 5+x लिख सकता हूँ, समझ रहे हो, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस, 5+x मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है ओके सर, हमने क्या कर दिया, बाहर वाले का हमने वॉल्यूम निकाल दिया। अगर आपको होलो सिलेंडर का भी पता होगा, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, चाहे तो आप ऐसा समझ लो ये आपका होलो सिलेंडर, यहाँ पे बता देता हूँ फिर से, ये आपका होलो सिलेंडर है, ये आपका एक सिलेंडर है, इसके अंदर एक और सिलेंडर है, इसके अंदर या मैं हाँ चलो इसके अंदर एक और सिलेंडर है, इसके अंदर यहाँ पे आपका एक और सिलेंडर है, होलो सिलेंडर बन गया। ठीक है, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस यहाँ पे आर है, और इसकी रेडियस यहाँ पे हम इसे मान लेते हैं, मान लो ये कैपिटल आर है, जो भी है इसकी रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, अब हमें इसको लेके चलना है, समझ आ गया होगा। चलो, तो हमने इसका फॉर्मूला आपको पता होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एक का तो आपको पता क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर मैं उसे मान रहा हूँ। ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर और इनटू में एच, ऐसा बनता है। ठीक है, जो ये डायग्राम भी मैंने आपको दिखाया, ठीक है, जो हम कैपिटल आर ले रहे हैं, ये कैपिटल आर ये बाहर वाला है, स्मॉल आर ये अंदर वाला छोटा आर है, ध्यान से समझना भाई, अगर आपने मेंशन नहीं करा होगा फिर आपको दिक्कत आएगी, हमें पूरा चैप्टर तो यार आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ पूरा आपको बताने का। ठीक है, तो हमने इसका पूरे का वॉल्यूम निकाल दिया, ये बाहर वाले का वॉल्यूम निकाल, बाहर वाले के रेडियस है कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या है, एक्स प्लस 5 है। ठीक है, एक्स प्लस 5 है और इंटू में एच, तो उसने होना ही है। ठीक है, तो इंटू में एच हो गया। अब हमने इसको माइनस क्यों करा होगा, क्योंकि सर हमें सिर्फ बाहर वाला चाहिए था, हमें सिर्फ क्या चाहिए था, हमें ये वाला चाहिए था, ये अंदर वाला नहीं चाहिए था भाई, अंदर वाला नहीं चाहिए था, अंदर वाले की रेडियस स्मॉल आर है 5 है। ठीक है, तो हमने उसको उसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, तो चलो अब ये क्या बन जाएगा, इसमें मैं इसे कॉमन ले लेता हूँ, इससे मैं ना यहाँ पे ये मैं कॉमन ले लेता हूँ, मैंने लिया पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कॉमन क्या ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, एच भी वैसे एच तो खैर अलग ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये अलग से एच तो आपका था। ओके सर, बिल्कुल क्लियर है। अब ये हम अर्थ के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो पाई इंटू आर क्या है, आर आपको देखा 10 मीटर डायमीटर है, तो उसका 5 रेडियस हो जाएगी, तो 5 का स्क्वायर रेडियस। हाइट कितनी है, हाइट सर मुझे 14 दे रखी है। ओके सर, फिर यहाँ पे आपको पाई दे रखा है, देखो आपको ये बिल्कुल माइंड से करना है, यहाँ पे सीधे वैल्यू मत निकालो, हम पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं, 22/7 भी रख सकते हैं, बट वो कटफट हो जाएगा पाई अभी, है ना।
y into r square, capital R क्या है? देखो भाई मैंने बोला x plus 5, बाहर वाला x plus 5, 5 तो अंदर वाले का था, बाहर की width हमें x वो निकालना है, ठीक है? x plus 5 minus r square क्या है आपका? x plus 5 भी हो गया, r square क्या है आपका? अच्छा ये भी तो square होगा यार, ये भी तो इसे मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ये भी तो आपका square होगा, r square minus अंदर वाले तो आपको पता है 5 का square, छोटा वाला r है 5 का square, ठीक है सर? और इंटू में आपका ये बाहर इंटू में आपका क्या है यहाँ पे एच है, हाइट है, हाइट को मैं लिख लेता हूँ, हाइट आपको कितनी, अब ये वाली हाइट है ये, ठीक है, ये वाली हाइट है एम्बैकमेंट की हाइट, तो ये हाइट कितनी है, ये थी आपकी 4 whole 2/3 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4 12 12 2 14/3 में उसे लिख सकता हूँ, तो मैं लिख लिया इसे क्या 14/3 मैंने लिख लिया। ओके सर बहुत सही, यहां से देखो यार पाई से पाई कैंसिल कर दो, बहुत सिंपल है क्योंकि इक्वल में है, इक्वल में है, पाई यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, कैंसिल कर दिया, ठीक है, 14 यहाँ भी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर, न्यूमरेटर की साइड आपने कैंसिल कर दिया, यहाँ क्या बचा, यहाँ तो बचा सर हमारा क्या, यहाँ बचा हमारा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है आपको सर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, यहाँ एक बचा हमारा एक्स प्लस 5 इसका स्क्वायर, और एक बचा हमारा यहाँ पे क्या 5 का स्क्वायर, इसको आप अलग नहीं कर सकते, लिसन माय वर्ड केयरफुली यार, इसको आप अलग मत करना, अलग क्यों मत करना, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कॉमन लिया था पाई, पाई कॉमन लिया था, इसको आप अलग नहीं कर सकते अभी 5 को, सीधे ये मत कर देना कि 5 का स्क्वायर 25 और उसे आपने अलग कर, ये अभी इसके साथ एक ही टर्म बन गया क्योंकि हमने कॉमन ले रखा है, और ये 3 अपॉन में है तो 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बताओ कोई दिक्कत, 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 25 थी आपका 75 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या आपका एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, अब इसे ना हमें आइडेंटिटी से सॉल्व करना होता है, अगर हम डायरेक्ट करेंगे वो गलत हो जाएगा, गलत क्योंकि कई बार बच्चों को दिक्कत होती है कि सर मैं यहाँ पे ऐसा भी तो कर सकता था, 5 का स्क्वायर 25 यहाँ माइनस में था, ये यहाँ जाके प्लस 25 हो जाता, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा एक ही टर्म हमने बना लिया था, क्यों बनाया था, हमने यहाँ पे ये वाला पाई कॉमन लिया था, देख रहे हो ये वाला पाई आपका कॉमन चल रहा है, ठीक है, इसलिए हम उसे नहीं ले सकते। चलो यहाँ पे आपको दिखेगा एक चीज दिखेगी आपको कि सर ये x प्लस 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये आपको कुछ इस तरीके से नहीं दिख रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी दिख रही है, इसकी मीनिंग क्या होती है, ए स्क्वायर सॉरी इसकी होती है क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बताओ भाई ऐसा कुछ आपने देखा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, x प्लस 5 तो पूरा आपका ए है, तो हमने क्या कर दिया x प्लस 5, ठीक है, प्लस बी, बी क्या है आपका, बी सर मेरा 5 है, इंटू ओके सर ए माइनस बी, ए है आपका x प्लस 5 ओके और माइनस क्या है आपका बी, बी है आपका 5, बताओ भी कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल हमने कर लिया। फिर देखो 75 इज इक्वल टू यहाँ पे आपको दिखा है ये x और 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा x प्लस 5, देखो 5 माइनस 5 तो 0 हो गया, ये आपका x हो गया, दोनों मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा x इंटू x, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10x, बताओ क्लियर है बात, x स्क्वायर पर 10x ये आपका हो गया, इसे मैं से हटा देता हूँ। अब है भाई बात बिल्कुल खतरनाक, क्या सर मुझे इस 75 को भी वहां ले जाना है, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, मैंने इसे यहाँ 0 माने, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 75, ये क्या बन गया आपका एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमने इसे सॉल्व करना है, हमने इसे क्या करना है सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, इसे मैं उलट पुलट करके ऐसा लिख सकता हूँ, इसे मैं ऐसा लिख लेता हूँ ताकि थोड़ी आपको सही से फील आए, मैंने लिख दिया इसे x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 75 इज इक्वल टू 0। आपको यार फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा होगा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है, यहाँ पे हम इसके फैक्टराइज करेंगे, 3-4 मेथड होते हैं, जैसे एक मेथड होता है आपका कॉमन मेथड से, एक होता है आपका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगेगा, ठीक है, आपको इसे स्प्लिट करना है, ठीक है, आपको इसे स्प्लिट करना है, कैसे स्प्लिट करना है कि आपको दो नंबर लेने हैं जिनका प्लस या माइनस करके 10x आना चाहिए और उनका मल्टीप्लाई करके 75 आना चाहिए, आपको ये पता होगा यार, ठीक है, सारा तो यहाँ पे मैं एक ही में नहीं कर पाऊंगा, बट ऐसा करते हैं तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस, देखो अगर मैं लेता हूँ 15 इंटू 5 कितना हो गया 75 और 15 माइनस 5 कितना हो गया 10 भी हो गया, मतलब वही नंबर को मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, वही नंबर को प्लस या माइनस करके ये आना चाहिए, तो दोनों आ गया, हमने क्या लिख दिया 15 और 5 मुझे मिला, तो मैं क्या लिख दूंगा 15x माइनस 5x इज इक्वल टू 10x वो हो जाएगा, ठीक है, और माइनस ये 75 ऐसे रखूंगा मैं इज इक्वल टू 0।
है, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब एक और चीज है यार यहाँ पे, फिर आपको इसके फैक्टराइज करने आना चाहिए। यहाँ पे हम इसके क्या बना लेंगे, इन दोनों के मैं पेयर बना लूंगा, इन दोनों में मैं कुछ कॉमन लूंगा, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आएगा। एक्स कॉमन आया तो यहाँ अंदर क्या बचा, अंदर यहाँ पे एक्स बचा। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर तो बाहर निकल गया, अंदर एक्स बचा प्लस एक्स तो बाहर निकल गया 15 बचा। ठीक है, माइनस यहाँ पे मैंने क्या कॉमन लिया, 5 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, -5 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, अंदर आपका एक्स बचा। प्लस 5 से 75 को डिवाइड करोगे 15 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ये जीरो वीरो तो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखना है तो लिख लो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये एक्स प्लस 15 ये तो कॉमन आ गया सब में। ठीक है, देख रहे हो एक्स प्लस 15 इसमें भी है इसमें भी है, आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, और अंदर क्या बचा, एक्स माइनस फाइव बचा आपका अंदर। एक्स प्लस 15 इंटू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू आपका क्या होता है, जीरो होता है। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, इसकी इक्वेशन बनाओ। एक तो है आपका एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू माइनस 15, माइनस आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस 5, 5 आपका आंसर। ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन भी है यहाँ पे आपका, देखो 5 आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन भी है। इस तरीके से करना था भाई आपको। ठीक है, थोड़ी भाई स्टार्टिंग में करोगे तो आपको काफी टफ लगेगा कि यार कितना लंबा है, बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको चीज ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाती है, फिर आपको ज्यादा दिक्कत उसमें नहीं आती है। ठीक है, अगर आपको इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं करना है तो आप इसे नॉर्मल भी कर सकते थे। ठीक है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बिल्कुल क्वेश्चन सटीक आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, बाकी यार देखो अगर आपको ये वाला मेथड टफ लग रहा है, अगर आपको चाहिए कि नहीं सर हमें दूसरा वाला करना है तो आप कमेंट कर देना, मैं इसका दूसरा वाला मेथड आपको बता दूंगा। ठीक है, जिसमें कि ये एक्स वैक्स का फंडा ना रहे। ठीक है, बाकी यार कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और अच्छे से यार क्वेश्चन को करते रहो, मेहनत करते रहो। ओके, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट।